Hey guys, welcome back to my channel. I hope all you are good. And in today's video, I'm going to share with you one traditional art, which is Sora art. मेरी चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो कि एंशियंट और ट्रेडिशनल आर्ट है, जैसे कि मधुबनी हो गई, ये वारली चित्रकला हो गई, या फिर ऐसे गोंड पेंटिंग हो गई. और मधुबनी और गोंड का मिक्सर भी हमने देखा है, इस तरह का मधुबनी हो गई. बट टुडेज वीडियो इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज़ वन न्यू ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे सोरा आर्ट ऑफ उड़ीसा. बहुत ही एंशियंट, मतलब पुरानी है ये चित्रकला और इसको आज हम देखने वाले हैं. सो इसका वीडियो फर्स्ट टाइम चैनल पे हो अपलोड हो रहा है. सो आई होप गाइस यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फॉर दैट मैंने एक वाइट जेल पेन बना रही हूं मैं ट्री के ऊपर. एक्चुअली फॉर दिस पेंटिंग दे यूज नेचुरल डाइस एंड क्रोम्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड, एक्चुअली वाइट स्टोन, ह्यूज अर्थ एंड वर्मिलियन. Mixture of tamarind seeds or flower and leaf extract. Actually वो क्या करते हैं ना, sea shell is crushed until it turns to gentle powder which is mixed with a fevicol, gond, water या acrylic paint and then that dye they use for this painting actually. But today for our comfort we can use acrylic colors also and more comfort. देखो मैं तो यहाँ पे जेल पेन यूज़ कर रही हूँ. सो इट्स अप टू यू. यहाँ पे मैं एक सन बना रही हूँ बहुत अच्छे से, देखिए इस तरह से. हैव टू डू जेंटली बिकॉज मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ. मैंने पेंसिल से या पहले कोई वर्क नहीं किया है, डायरेक्ट पेन से ही उसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ. आप चाहे तो पहले पेंसिल से फिगर आउट करके उसके ऊपर एक्रेलिक से पेंट कर सकते हैं. एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ दिस सोरा आर्ट, आई मीन सोरा ट्राइब
mentioned in Ramayana and Mahabharata also. क्लाउड बना लिए हैं मैंने थोड़े. Elements are natural in this painting, you can see. देखिए पर्सन्स यहाँ पे वारली से थोड़े डिफरेंस है. महाभारत और रामायण में ये कहाँ पे आता है, तो रामायण में जहाँ पे सबरी मेंशन है, तो दैट सबरी बिलोंग टू द सौरा और सौरा ट्राइब. एंड इन महाभारत यू हर्ड अबाउट द जरा जरा द हंटर पारदी जरा हु मॉर्टली वंडर्ड लॉर्ड कृष्णा विद एन एरो बाय एक्सीडेंट ही वाउंडेड Lord Krishna, that Jara the hunter is also belong to this tribe. इस तरह से आप कुछ भी एलिमेंट थोड़े बहुत जो नेचुरल है, मैंने यहाँ पे विलेज लुक ही मेंशन किया है. देखिए बनाया है, एक कार्ट बनाया है. ये ट्राइब भी जंगल जैसे एरिया में पाई जाती थी, सो दे आर डीपली कनेक्टेड टू नेचर और उनकी आर्ट में भी वो साफ झलकता है कि वो नेचर के साथ कितने स्ट्रॉन्गली जॉइन है. बॉर्डर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइंस इसमें भर सकते हैं एंड सच काइंड ऑफ पेंटिंग्स यू कैन क्रिएट. एक्चुअली वन स्ट्रोक में यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा है और पेपर एब्सॉर्ब सम इंक, सो मुझे यहाँ पे सेकंड कोट या थर्ड कोट भी देना पड़ रहा है. आप थिक वाला एक्रेलिक कलर्स यूज़ करेंगे तो इजीली शायद फर्स्ट कोट में ही हो जाए. जो भी गाइस मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स सिंपल वे में अपने एंशियंट पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे. इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने ट्री क्रिएट कर लिया है. ओके एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस. देखिए बॉर्डर मैंने क्रिएट कर ली है मेरी तरह से. आप अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं. एक ट्री के ऊपर क्लाउड था जिसको मैंने रिमूव करके वहाँ पे बर्ड बना लिया है एंड क्लाउड को मैंने थोड़ा सा साइड में ले लिया है. देखो बॉर्डर को इस तरह से मैंने डिज़ाइन से फिलअप किया है और पूरा पेंटिंग मेरा ख़त्म हो चुका है इधर. और आउटफिट से मैं बहुत खुश हूँ. आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा. सो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मिलते हैं. बाय बाय.